आज बात होगी कराची की मशहूर और मारूफ शख्सियत, जिसको कराची का हर बंदा जानता है क्योंकि हर चौक पे जो है ना उसके इश्तेहार लगे हुए हैं, बाबा आमिर जुनेद बंगाली साहब। वाह वाह वाह, क्या बात है, तालियां तालियां। जादू वो जो सर चढ़कर बोले भाई, सर चढ़ के, पांव चढ़ के, गुर्दे चढ़ के, फेफड़े चढ़ के, सब कुछ चढ़ के बोले, सारा काम गारंटी के साथ, बाबा आमिर जुनेद बंगाली। कोई भी मसले का हल हो, डॉक्टर वॉक्टर गए भाड़ में, बाबा आमिर जुनेद बंगाली। काला उल्लू और हुदहुद कस्तूरी का खास अमल, 24 घंटों में कामयाबी, तमाम शैतानी अमलियात कर रहे हैं। हाँ तो शैतान और जुन्नों के पास और काम क्या बच गया, ये काम तो बच गया, पापा आमिर जुनेद बंगाली आएंगे, पापा जी उनको बुलाएंगे, वो आएंगे और फिर उनके लिए अमल करेंगे, जादू करेंगे, और कोई काम ही नहीं बचा उनके पास। हर मजहब के लोगों को मेरा खुला चैलेंज, हर मजहब के लोगों को खुला दुला चैलेंज भाई, खुला चैलेंज, नंगा चैलेंज, बगैर कपड़ों वाला चैलेंज, आओ शर्त लगाओ इधर भाई, आमिर जुनेद बंगाली भाई, आमिर जुनेद बंगाली। हर काम पलक झपकने से पहले, एक रात के अमल से जिंदगी भी और मौत। अबे ये क्या कह रहा भाई, खुदा का खौफ कर यार, एक रात में जिंदगी मौत, वक्त जज्बात बदल लो भाई, क्या कर रहे हो। हर जायज और नाजायज काम 3 घंटों में करवाओ, बाबा का कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो तुम लोग, मतलब जायज और नाजायज काम 3 घंटे में करवाओ, बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, अंदर तक पहुंचे हुए बाबा। जिनका कोई भी वार खाली नहीं जाता, जिन्नात को अपने बस में कर, इन बाबा का कोई भी वार खाली नहीं जाता, जिन्नात इनके बस में भाई, सुबह शाम आगे हाजिरी दे रहे हैं, स्कूल टीचर है ना जिन्नातों की ये तो। अब दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं, आप हर मसले के लिए रब्ता कर सकते हैं, संगदिल महबूब को कदमों में लाना, रुके हुए कामों की तकमील, तलाक का मसला, कारोबारी बंदी, घरेलू नाचक, औलाद की बंदी, प्राइस बॉन्ड, आमिर जुनेद बंगाली। अब दुनिया का कोई काम नामुमकिन भी नहीं है, बुर्ज खलीफा खरीदना हो, नई बुर्ज खलीफा खड़ी करनी हो, बाबा आमिर जुनेद बंगाली, आशिक को कदमों में गिराना हो, वो तो फेमस काम है, सास बहू का झगड़ा, नंद का झगड़ा, जो भी हो अनबन शन कर देंगे, आमिर जुनेद बंगाली। ओके भाई, कराची में बहुत सारे बाबे, ऐसी बात नहीं कोई एक बाबा है, आमिर बंगाली, प्रकाश बंगाली और देवदास बंगाली और पीर शाहबल शाह, आप लोगों को ही पता है, हमें पता है, लेकिन आमिर बंगाली का जो है ना वो लेवल है, मतलब इसका एक अलग इसका आता है, पुराना आदमी है मार्केट का, तो इसको जानते हैं काफी। ये फालतू बातें क्या बता रहे हो मुझे? अच्छा तो इसके अलावा जो एक नया नाम मेरे सामने आया वो यह है प्रोफेसर बंगाली साहब, मतलब प्रोफेसर आपने देखो कॉलेजों में पढ़ा रहे लिखा रहे, लेकिन प्रोफेसर बंगाली भाई काला अमल कर रहा है, जादू कर रहा है। प्रोफेसर राजा बंगाली अपने इलम की ताकत से लाखों लोगों की खिदमत करने वाले, 2 आमिलों का खुला चैलेंज, बंगाल का चीखता चंघाड़ता काला जादू। अच्छा ठीक है आगे। महीनों हफ्तों घंटों से छुटकारा, अभी कर इशारा देख नजारा, शायरी चल रही है भाई, शेरो शायरी चल रही है, कर इशारा देख नजारा, मैं तुम्हारा तुम हमारी, काम बिगड़ गया सारा, वाह वाह तालियां तालियां। राजा बंगाली, जो कोई ना कर सका वो हम करके दिखाएंगे, जो कोई ना कर सका वो हम करके दिखाएंगे, चड्डी को शलवार बनाएंगे, शलवार को चड्डी बनाएंगे, उसको बगैर धूप के सुखाएंगे, सबको पिलाएंगे, पहले हम आएंगे आपको चूतिया बनाएंगे, उसके बाद पैसे वैसे लेके निकल जाएंगे, हम बनाएंगे, हम दिखाएंगे, हम करवाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। आए, आए, आए। ऐसा जादू जो जालिम से जालिम इंसान का सीना चीर कर रखे। हाँ जालिम से जालिम जादू भाई, सीना चीर देगा, फेफड़े निकाल देगा, गुर्दे गुर्दे फाड़ देगा, सब तेज मेज ऊपर नीचे, इधर का उधर, उधर का इधर कर देगा भाई, जालिम बंगाली। तमाम आमलों, नजूमियों, ईसाइयों को मेरा खुला चैलेंज, अपने तमाम रुके हुए काम हमसे करवाएं। खुला चैलेंज भाई, खुला, जो भी बाबा हो चैलेंज खुला देता है, नंगा चैलेंज पर्दे में नहीं, नंगा खुला चैलेंज फेंकता है बाहर, आओ। रिश्तों में रुकावट, खानदानी झगड़ों से निजात, ना फरमान औलाद, सफर में रुकावट, मन पसंद शादी, औलाद का ना होना या होकर गुजर जाना, क्या कोई दिल है जिसे आप अपने लिए तड़पता देखना चाहते हैं? ये वाली लाइन सबसे टाइट थी, मतलब कोई दिल है जिसको आप तड़पता देखना चाहते हैं? नहीं। ये वो लोग जिनको घर पे मांगने में दूसरी बार रोटी नहीं जाती और यहाँ पे आके एड चला रहे हैं सास बहू का खात्मा, खुद की माँ ने मार मार के इनकी बेगम का जो ना दिमाग खराब किया होता है, बेड़ा गर्क किया होता है, वो जाके दूसरे बाबों से दम करवा दी थी कि अल्लाह करे मेरी सास मर जाए, जान छुड़ी है मेरी उससे। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटाए। इन जैसे लोग जिनको देख के खुसरा भी दुपट्टा सेट कर लेते हैं, इनसे खुसरा भी सेट नहीं होता, और ये लोगों को गारंटी दे रहे होते महबूब को कदमों में गिराना, आहा बाबा आमिर बंगाली, जुनेद बंगाली, हम बैठे हैं यहाँ पे, आओ महबूब को कदमों में गिराओ। चुप!
250 आदमी फेल। ये वो लोग सिर्फ नेट पे की इसलिए करवाते कि फेसबुक पे जाके लड़कियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन हकीकत बात ये कि इनकी खुसर भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो मजबूर इन लोगों को थक हार के लड़कियों के नाम की फेक आईडी बनानी पड़ती है, दूसरी लड़कियों को जाके रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो बाद आ जाए तो बड़े ही राम मौत मना है। वैसे तो इन लोगों ने डीपीटी सस्ती किस्म की लगाई होती है, इनकी रिक्वेस्ट कोई एक्सेप्ट करता नहीं, और अगर किसी ने एक्सेप्ट कर ली तो पहले जाके बोलते कि मैं लड़की हूँ और मैं गर्ल हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपको बहन बनाना चाहती हूँ। जहन्नमी 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 जहन्नमी। और अगर गलती से खांचा सेट हो गया, कुछ दिन बातचीत चल गई, जहाँ इनके दिल के जज्बात जाग गए, सामने वाले के दिल के जज्बात जाग गए, इनको ये नहीं पता कि सामने वाला भी लड़का है हरामी है, वो समझ रहे कि ये लड़की है, ये समझ रहा है, वो लड़का ये समझ रहा है, मेरा खांचा है, वो समझ रहा है मेरा खांचा है। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आता है कि एक बंदा हिम्मत करके बताता है कि देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं लड़का हूँ लेकिन मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ, सारे जज्बात जाहिर होते हैं और सामने वाला जब देखता है तो उसकी भी दिल की छल्ली छल्ली खूनों खून हो जाता है उसका दिल भी, क्योंकि वो भी लड़का होता है। और फिर आखिर में होती हैं जो तलख कलामी मुमारी गंदी बातचीत गालियाँ, तोबा तोबा अल्लाह माफ, तोबा तोबा तोबा। और उसी गम में ये लोग जो ना सस्ती मारवन की सिगरेट लेके पीते हैं, गोल्डिफ नहीं पी सकते, महंगी है सस्ती आज की, मारवन में गुजारा कर रहे होते फिर। और टीवी पे ये लोग एड चला रहे होते हैं कि आशिक को कदमों में गिराना और सास बहू का झगड़ा हो और औलाद की नाफरमानी, इनकी औलाद इनको अब्बा नहीं बोलती, नाम से बुलाती है बशीरे हो फलाने हो ढिमकाने। बशीर भाई यू भी बुरा नहीं माने भाई, ये मतलब एक अक्सर फिल्मों में बशीरे मशीरे चलता रहता है, तो बोल दिया इतना मैं जाने दो हरामी हो तो अपना कारोबार ऐसे चल रहा है, एड चला चला के थक गए, कर्जदार हो गए, इनके पास कोई दम करवाने नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी भाई कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस जरूरी है भाई। कैसे दिया आपको?